नमस्कार दोस्तों, बेस्ट से टू फोर सेवन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में जितनी भी आपकी यहाँ पे भर्तियां चल रही है, चाहे जिनका रिजल्ट आना बाकी हो, चाहे जिनकी वैकेंसीज आनी बाकी हो, चाहे जिनका कोई एग्जाम डेट वगैरह, जो भी अपडेट है राजस्थान की वैकेंसी से संबंधित, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। थंबनेल में आपने देख लिया है कि कौन कौन सी वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेन जो वैकेंसीज है वो आपके सामने राजस्थान रोडवेज भर्ती है, बिजली विभाग है, जिनकी वैकेंसी अभी आनी बाकी है और इनके सबसे ज्यादा आपके डाउट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल गया है। आरपीएससी एएन संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती के अंदर कुछ नई भर्ती यहाँ पे निकलने वाली है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जेएन भर्ती, नई एसआई भर्ती, एलडीसी लैब असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की जो नई भर्तियां हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों वन बाय वन करके एक एक भर्ती के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान रोडवेज भर्ती को लेकर। देखिए पहले जो राजस्थान रोडवेज विभाग है इसमें वित्त स्वीकृति के लिए 5200 पदों पर यहाँ पे वित्त स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई थी वित्त विभाग के पास, लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया था। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी अपडेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है राजस्थान रोडवेज भर्ती को लेकर वो आ रही है 2800 पदों पर, है ना। जो राजस्थान रोडवेज विभाग की जो भर्ती है अब 2800 पदों पर यह फाइल भेजी जा चुकी है वित्त विभाग के पास वित्त स्वीकृति के लिए। तो जैसे ही इसकी स्वीकृति मिलेगी आपकी नई वैकेंसी आएगी। इसके अंदर मेन जो वैकेंसीज है वो आपकी चालक और परिचालक की, यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर की यहाँ पे वैकेंसीज है, ठीक है। और मंजूरी के लिए यहाँ पे प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा जा चुका है, हालांकि अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। और ऐसी लगाए जा रहे हैं प्रयास के लगभग सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग में इसको वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इसकी नई वैकेंसी आ सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी क्लियर कहा था कि ये जो वैकेंसी है राजस्थान रोडवेज विभाग की, इसके चांसेस 50-50 है, 100% चांसेस नहीं कह सकते कि ये जो वैकेंसी है ये आचार संहिता से पहले आ जाएगी, लेकिन इसकी फाइल जा चुकी है। कम से कम इतनी संतुष्टि है कि इसकी जो फाइल है कितने पदों पर आने वाली, 2800 पदों पर है, और इसकी जो फाइल है वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के पास जा चुकी है। तो जो ड्राइवर राजस्थान रोडवेज विभाग की जो भर्ती की अपडेट है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है बिजली विभाग की। तो देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, काफी दोस्तों का डाउट आ रहा है कि सर आचार संहिता लगने वाली है, क्या बिजली विभाग की वैकेंसी आएगी। तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में 100% हम कह सकते हैं कि आचार संहिता से लगने से पहले पहले आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 11 सितंबर को दोबारा से जो फाइल है वो वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के पास जा चुकी है ना। पदों की संख्या फाइनल नहीं हुई है कि कितने पदों पर ही गई है। पहले की बात करूं तो 3287 पद थे पहले, लेकिन अब पद जो है वो कम होंगे। तो 11 सितंबर को जो फाइल है वित्तीय स्वीकृति के लिए दोबारा वित्त विभाग के पास भेजी गई थी, इस माह के अंत तक यहाँ पे मंजूरी मिल सकती है, ठीक है, सितंबर एंड तक, क्योंकि अभी भी इसमें टाइम है। इस महीने में वित्तीय स्वीकृति आपको लगभग इस महीने के एंड तक देखने को मिल जाएगी और मिल भी जाएगी। और नई भर्ती की अगर मैं बात करूं तो नई भर्ती जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। अलग अलग वैकेंसीज के अलग अलग इसके नोटिफिकेशन आते हैं, जेएन एएन एलडीसी स्टेनोग्राफर, बहुत सारी इसके अंदर वैकेंसीज है, ठीक है। और अक्टूबर स्टार्टिंग में भर्ती विज्ञप्ति जारी होने की यहाँ पे पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट थी दोनों वैकेंसी की, राजस्थान रोडवेज विभाग की और बिजली विभाग की, क्लियर हो चुकी है। अच्छा, काफी दोस्तों का डाउट आता है कि सर कौन सी भर्ती की तैयारी करें, कहाँ से ऑनलाइन तैयारी करें, कौन सी बुक्स लें, उसके लिए बात करनी है। तो उन सभी के लिए जो मेरी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां जाके आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। दोबारा से इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी होगा, है ना। तो हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है उसने हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा को लेकर यहाँ पे फैसला दिया है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने यहाँ पे याचिका लगाई थी इस भर्ती को लेकर, और क्योंकि इसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो आरक्षित वर्ग से कम गई थी, है ना। तो जनरल की कट ऑफ से अधिक नंबर थे, उनको टाइपिंग टेस्ट देना होगा और उनको यहाँ पे उनका भी यहाँ पे अच्छा एक चीज निकल के आ रही है। और यह फैसला सिर्फ याचिकाकर्ताओं के लिए होगा, आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनको हाईकोर्ट से यहाँ पे राहत मिल चुकी है। 117 पेज के आदेश में हाईकोर्ट ने पुनः परिणाम जारी करने के आदेश यहाँ पे दे दिए हैं। तो हाईकोर्ट एलजीसी का जो रिजल्ट है वो दोबारा से यहाँ पे जारी होगा, इंपॉर्टेंट अपडेट यह है। और आदेश में नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे नौकरी पर थोड़ा सा यहाँ पे संकट आया, ऐसा नहीं कि नौकरी से उनको निकाल देंगे, लेकिन चीजें थोड़ी सी बदल सकती है यहाँ पे। तो हाईकोर्ट प्रशासन ने लिखित परीक्षा और टाइप टेस्ट लेने के बाद यहाँ पे मेरिट सूची बनाई थी, और लिखित परीक्षा के बाद जो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ थी वो आरक्षित वर्ग से कम थी, यानी कि जो आरक्षित वर्ग है उनकी जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा चले गई थी, है ना। लिखित परीक्षा के बाद 15 गुना के बजाय टाइप टेस्ट के लिए सिर्फ 5 गुना अभ्यर्थी यहाँ पे बुलाए गए थे, और इस आदेश से अब मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट के बाद नौकरी मिलेगी।
क्योंकि दोबारा से जो रिजल्ट आएगा उसमें जो दोबारा से टाइप टेस्ट में स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनको मिलाकर नई यहाँ पे सूची जारी होगी और उनको यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। तो हाईकोर्ट एलडीसी की ये मेन इंपॉर्टेंट अपडेट थी। नेक्स्ट हमारे पास है आरपीएससी एएन। अच्छा, इंपॉर्टेंट अपडेट है आरपीएससी एएन की, यानी कि जो सहायक अभियंता है, असिस्टेंट इंजीनियर है आरपीएससी के, इसकी नई भर्ती की हमें बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। मैंने आरपीएससी एएन और जेएन के बारे में बात नहीं की थी, तो इनके अपडेट यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। आरपीएससी एएन की जो पदों की संभावना है वो 750 मान सकते हैं, 700 प्लस कह सकता हूँ, है ना। हालांकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे मिला है हमें, वो बता देता हूँ। पीडब्ल्यूडी के अंदर इसमें 145 पद बताए जा रहे हैं, डब्ल्यूआरडी के अंदर 120 पद है इसके अंदर, और पीएचईडी के अंदर 466 पद है, और पीआरडी के अंदर 6 पद है। तो कुल मिला के लगभग 737 पदों पर यहाँ पे आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन ऊपर नीचे अगर मान सकते हैं तो 700 प्लस पद ये भी कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पद है। आरपीएससी की जो नई वैकेंसी है वो आपके 700 प्लस पदों पर निकल के आने वाली है, और ये डाटा इंपॉर्टेंट है। जो पदों की संख्या मैंने आपको बताई है कि किस विभाग में कितने पद आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और इसकी अगर मैं बात करूं वैकेंसी कब तक आएगी, तो वैकेंसी की संभावना इसकी बताई जा रही है अक्टूबर फर्स्ट वीक में बताई जा रही है। ये एक ऐसी वैकेंसी है जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, आरपीएससी एएन की काफी समय से आई नहीं है, तो ये जो चांसेस है इसके अक्टूबर फर्स्ट वीक में आने के पूरी पूरी चांसेस बनते हैं आरपीएससी एएन के। नेक्स्ट जो भर्ती है जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती को लेकर है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ नई भर्ती यहाँ पे निकलने वाली है जिनके बारे में आप देख लीजिए। फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसके अंदर लगभग 200 प्लस पद बताए जा रहे हैं जिनकी नई विज्ञप्ति आएगी। सेकेंड ग्रेड के अंदर 800 प्लस पद है। थर्ड ग्रेड के अंदर बात करूं तो लगभग 2500 प्लस पद है जिनके अंदर लेवल वन के अगर मैं बात करूं 700 प्लस पदों पर यह भर्ती आएगी, और लेवल टू के अंदर 1800 प्लस पदों पर यह भर्ती आपकी निकलने वाली है। तो ये जो डाटा है ये संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती को लेकर है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का है। और साथ ही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की बात करूं तो 600 प्लस पदों पर यहाँ पे भर्ती निकलने की संभावना है। हालांकि यहाँ पे इसके अंदर नियम संशोधन का कार्य चल रहा है, लेकिन ये जो डाटा है भर्तियों का कितने वैकेंसी जाएगी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, नई भर्ती आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेईन भर्ती को लेकर, तो जेईन की बात कर ली, नेक्स्ट हम जेईन की बात कर लेते हैं। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है कि राजस्थान के अंदर जेईन के लिए विभिन्न विभागों के अंदर लगभग 1000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। देखिए जेईन भर्ती की एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है ना, मार्च और अप्रैल संभावित इसमें एग्जाम डेट नहीं है, ये फाइनल मंथ की बात करूं तो मार्च और अप्रैल संभावित 2024 के अंदर इसकी एग्जाम डेट होगी, एग्जाम होगी। ये आरएसएम एसएसबी का जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें बता दिया गया था, ठीक है। तो जेईन भर्ती की पदों की बात करूं, देखिए ये कोई एक पर्टिकुलर विभाग के अंदर नहीं है, जो 1000 पद है वो पर्टिकुलर कोई एक विभाग के अंदर लेके मत चलना, ये सभी विभागों को मिलाकर, मैंने राजस्थान के सारे विभागों को मिलाकर बताई है। तो 1000 प्लस पदों पर अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, तो इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इसके पहले से ही हमें बताया जा चुका है कि मार्च और अप्रैल में इसके एग्जाम होंगे, तो ये भी आपके लगभग अक्टूबर, जैसे कि एजिंग की मैंने बात की थी, अक्टूबर स्टार्टिंग तक आचार संहिता लगने से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जाम डेट पहले से इसकी फाइनल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नई एसआई भर्ती, एलडीसी, लैब असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। चार ऐसी भर्तियां हैं जो काफी समय से और काफी डाउट में रह रही है। तो नई एलडीसी भर्ती, सॉरी नई एसआई भर्ती की अगर मैं बात करूं, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि ये जो भर्ती है इसके लगभग चांसेस है आचार संहिता लगने के बाद, क्योंकि इसका अभी तक कोई न्यूज नहीं चल रही है, ठीक है। तो फिर भी अगर मैं कुछ चांसेस की बात करूं, अगर पहले आती भी है तो नई एसआई भर्ती की यहाँ पे मांग उठ रही है न्यूज वगैरह में, न्यूज चैनल में, न्यूज पेपर में, काफी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मांग उठा रहे हैं। अच्छा, नई एसआई भर्ती के साथ साथ नई एएसआई भर्ती जो सिर्फ महिलाओं के लिए है उसकी भी यहाँ पे काफी डाउट आते हैं आप सभी के। दोनों भर्तियां जो है ना वो आपको आचार संहिता लगने के बाद ही देखने को मिलेगी, यानी कि अगले साल, और इन दोनों के जो एग्जाम है वो अगले साल जून जुलाई के बाद ही होंगे। जैसा कि मैंने आपको पटवारी का भी बताया था, जो नई पटवारी भर्ती है वो आपको अगले साल देखने को मिलेगी, और उसके एग्जाम भी जो है वो अगले साल जून जुलाई के बाद ही होंगे। तो ये जो तीन भर्तियां हैं इनके लिए आपके अभी तक आप निश्चिंत रहें कि थोड़ा इसमें समय लगेगा, अगले साल ही आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो तीन भर्तियां हैं एलडीसी, लैब असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एलडीसी आपको पता है सीटी के अंदर है। एलडीसी की कितने पदों पर आ सकती है, तो 6000 प्लस पदों पर है, पहले 7-8-9 हजार तक की जा रही थी। तो वित्त विभाग से इनकी स्वीकृति इतनी नहीं मिल रही है, तीनों ही भर्तियां कम होगी, लैब असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और एलडीसी,
तीनों की जो नई भर्तियां हैं इनके भी विभाग से इतनी स्वीकृति नहीं मिल रही, पदों की संख्या सभी के अंदर कम हो जाएगी। कितने कितने पद होने वाले हैं बता देते हैं। एलडीसी की बात करूं 6000 प्लस पदों पर यह भर्ती आ सकती है, ये पहले ही गया साथ बता चुके हैं, लेकिन इसमें पदों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। अभी तक इतना ही चल रहा है कि इतने पदों पर आ सकती है, क्योंकि इसमें रिक्त भाग इतनी मंजूरी नहीं दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट की, तो इसमें रिक्त पद तो बहुत है, 1133 है रिक्त पद, लेकिन फिर भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी इतनी नहीं आएगी, तो 800 से लेकर 1000 के बीच में आ सकती है, और 800 से 1000 भी एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये भी। स्टेनोग्राफर की बात करूं तो पहले 500 बताए जा रहे थे पद, लेकिन स्टेनोग्राफर में भी लगभग 270 और 300 तक की वैकेंसी आप मान सकते हो। ये जो तीनों वैकेंसी है एलडीसी की, हम मान सकते हैं कि एलडीसी की जो वैकेंसी है इसकी एग्जाम डेट वगैरह आपको बताएंगे, ये भी आपके अगले साल मार्च और अप्रैल में संभावित एग्जाम कैलेंडर में बताया जा चुका है कि एलडीसी का जो एग्जाम डेट है वो मार्च और अप्रैल 2024 में होगा, लेकिन इसकी जो वैकेंसी है वो नहीं आ रही है, तो इसकी वैकेंसी का कयास मैं आपको बता दूं, इसमें भी समय लगेगा, है ना। एलडीसी की तैयारी आप करते रहिए, ऐसा नहीं कि इसके एग्जाम नहीं होंगे, अगले साल मार्च अप्रैल बताया था, आगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन एग्जाम जरूर होगा क्योंकि वैकेंसी सीईटी के अंदर है, तो इसकी आप तैयारी करिए, थोड़ा समय लगेगा, जैसे कोई अपडेट आएगा एलडीसी का मैं बता दूंगा। लैब असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट में टाइम लगेगा और स्टेनोग्राफर में भी थोड़ा समय लग सकता है, इन दोनों में से कोई एक वैकेंसी आपको आचार संहिता लगने से पहले पहले देखने को मिल जाएगी, या तो लैब असिस्टेंट या फिर एक स्टेनोग्राफर। पदों की संख्या दोनों के अंदर थोड़ी कम होगी, क्योंकि विद्युत विभाग से उतनी स्वीकृति नहीं मिल रही जितना पहले इसमें रिक्त पद बताए जा रहे थे। इसके अलावा किसी वैकेंसी के बारे में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।